हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिसेंटली हम अगस्त जी के एल्बम पे रिएक्शन किए थे, पर यूट्यूब का नहीं पता क्यों ब्लॉक कर दिया। बट अब हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं अगस्त जी का वन ऑफ द फेमस सॉन्ग है अर्मक डाला। तो लेट्स गो, चेक इट आउट, चेक इट आउट। सो रिसेंटली ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और एक चीज़ हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एज अ BTS रिलेटेड कंटेंट में हमको ये दिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम ये सब कंटेंट अवॉइड करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि ये सब तुम लोग अगर कंटेंट देखते हो स्कैट, मतलब काइंड ऑफ जिसके आगे ये सिंबल आता है, नॉर्मली इंटरनेट पे या ट्विटर पे कहीं भी ये सब देखते हो, तो ये तुम्हारा अभी इफेक्ट नहीं करेगा। जब तुम अपने लो स्टेट में रहोगे ना, जब तुम्हारा मतलब अच्छा स्टेट में नहीं रहोगे, माइंड तुम्हारा थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाएगा, तब फ्यूल करता है ये सब चीज़। बट ऐसा अगस्त जी का है इसलिए कंटिन्यू तो करेंगे भी, कुछ ज़रूरी हैवी टॉपिक पे बात किया होगा। सो मेलोडिक भाई अभी हूँ सुन के आया है जेहो पर अगस्त जी का। अगर तुम लोग रिएक्शन नहीं देखे तो हूँ वाला रिएक्शन देख सकते हो जेहो पर शुगा का अगस्त जी। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का ये सपना देख रहे हैं। ओ भाई ये क्या हुआ, हंसना नहीं चाहिए बट ये क्या हुआ। शुगा के साथ ये सही में हुआ था क्या? मतलब उसका पता है यहाँ पर कुछ सर्जरी है, पर मॉम्स हार्ट सर्जरी। भाई ये गाना डीप होने वाला, हमको लिरिक्स हम ज्यादा कमेंट्री ना करके लिरिक्स पढ़ते, ठीक ना? तो एज पर हम जानते हैं अर्मक डाला जो है वो ब्रेन का थिंकिंग का काम, मतलब ब्रेन का एक पार्ट है जो मेन वही ट्रॉमा अमर्स जहाँ पर मेनली स्टोर रहता है, आई थिंक वो उसको अर्मक डाला बोलते हैं जितना हम नॉलेजेबल। हम अभी तक सर्च नहीं किए, तो एक बार हम वीडियो एंड होने से पहले एक बार सर्च भी कर लेंगे, टेंशन ना लो। I'm
跟 rap 唱飘的飘的的马纳吉街道也那么现在是该找的超那寂寞就等待太过熟悉该此刻就去那个两家奶奶不及也看那么熟悉全操那双脚的马甲手机अभी तक हम जितना देखे वीडियो गाना का फुल्ली जस्टिफाई कर रहा है, मतलब जितना डीप सॉन्ग है विजुअलाइजेशन उतना ही अच्छा और डीप है, मतलब कोई मजाक, मतलब मजाक का तो बात है ही नहीं। BTS का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट में से आकाश जी का प्रोडक्शन है, तो मजाक में ले नहीं सकता अपना एल्बम को वो। सो भाई वेरी हैवी स्टफ। भाई ये देख रहे हो जितना वो आगे जा रहा है उतना वो ये ऐसे हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हम वर्ड भूल गए। भाई भाई एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अगस्त दी का हम ये मिला के तीसरा वीडियो हो गया जिसमें दो दो हम लोग को शुगा देखने को मिला है कि लो 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 ये क्या हो गया, हम लोग को दो दो शुगा देखने को मिला है। सो हम तो यही चाहेंगे कि धीरे धीरे, या मतलब जैसा ये अगस्त दी वाला जो सीन हुआ, जो पीच में हिगम में देचिता में भाई दोनों अगेंस्ट अपने पास सेल्फ को मार दिया, इसमें ये पास सेल्फ को अपना जो एक्सपीरियंस किया है हम लोग को इस वीडियो से, हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से। पहले हम लोग का देखा सोया हुआ है सुगा, हम सुगा बोलेंगे, हम यूज टू हो गए अगस्त ही, मुँह के लिए थोड़ा टफ है बोलना। सो सुगा सोया हुआ रहता है, फिर सपना में वो ट्रिक करता रहता है मतलब लेट के, तो मतलब हम लोग को फिर पता चलता है वो पास्ट का सपना देख रहा है जिस पे वो ट्रॉमाटाइज हुआ था उसको लग के। सो एंड ऑफ द डे वो अपने बैक ऑफ द माइंड को बोल रहा है भाई मेरे को बचाओ, ये सब मेमोरी को हमको नहीं मतलब इरेज करना है। सो सबको एज अ आर्टिस्ट भाई रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए नहीं कि इस बारे में बात किया, अगर ऐसा रैपर ले लो भाई हर किसी पे इतना हेवी स्टफ रहता है ना, रैपर लोग पहला दो गाना पहला पांच गाना में ही अपना पूरा दुखियारी झाड़ देता है भाई कि हम लोग ये हुआ मेरे साथ ये हुआ, हम बहुत करीब थे हम यहाँ आ गए अब मेरा इतना है, पर इसमें एक वर्ड भी नहीं था कि हम लोग हम सफ़र किए बट हम यहाँ हैं, ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ आ गए वो नहीं, बस जो सफ़र था मतलब जो सफरिंग वो गया मतलब इतना टाइम से जो सफ़र कर रहा था बस वो एक पेन पेपर में लिया लिखा और ये सॉन्ग आया। ऐसा अदर रैपर मतलब रैपर लोग का क्या रहता है कि अरे हाँ हम तो ट्रॉमाटाइज थे बट आज हम लोग देखो बिलियंस कमा रहे हैं बट विथ भाई गर्ल्स वर्ल्स के साथ पूरा, मतलब समझ रहे हो तुम लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो एक इतने बड़ा आर्टिस्ट पे उसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ एक्सपीरियंस इतना टाइम के बाद शेयर करना, मतलब उसके लिए मेरे तरफ से रिस्पेक्ट बढ़ जाता है
और भाई वो बोला, मेरा उसका बेस्ट डिसीजन, सेकंड बेस्ट डिसीजन जो था वो वन ऑफ द, मतलब उसका लाइफ बेटर करने के लिए था जो। अब वो उसका जो पास्ट सेल्फ है वो तो भूल नहीं पाएगा, मतलब अभी वो ट्रॉमा, इसलिए ट्रॉमा कहलाता है क्योंकि तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे। सो हैवी स्टफ। और भाई उम्मीद नहीं किए थे कि ये निकलेगा, कि भाई एल्बम, अभी तक तो एल्बम में डी डे है, गम सुने, पूरा बात हुआ है, पर ऐसा मतलब कल्चर पे अटैक किया गया है, मतलब कल्चर बोल रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसा चीज़ पे अटैक किया है जिस पे सब स्टक अप है, बट ऐसा पास्ट में जा के आए और नाम अर्मक डाला। हमको लगा था हम ये गाना सुन चुके हैं, बट सॉरी, हम पहले अपना वीडियो में बोले हम ये गाना सुन चुके हैं, बट नहीं, हम मिस्टेक कर गए थे कोई और गाना के लिए। सो उसका नाम था गिव इट टू मी, आई थिंक शुगा का, तो हम कंफ्यूज कर गए थे। अगस्त डी का अगस्त डी सुने थे, गिव इट टू मी सुने थे, और ये फिर हैगम के लिए, एल्बम के लिए रिएक्शन किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अगर तुम लोग मेरा यहाँ तक बैठ के मेरा बात सुने तो और भी थैंक यू, और कमेंट्स में पर्पल हार्ट डालो। और ओ भाई हैवी स्टफ, सुबह सुबह, अभी सुबह के 4 बज रहे, हम हैवी स्टफ एकदम। ओ भाई आपको अभी भी और भी वीडियोस रिकॉर्ड करना है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सही होना रहा गाइस।